Good morning, students. Today I am going to take maths exercise 4.2. 4.1 आप लोग पहले ही कर चुके हैं और आज 4.2 होगी स्टार्ट आपकी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस कुछ लिख रखे हैं, आप ये देखिए. मैं आपको बुक में भी दिखाती हूँ अभी आपको. 4.2 आपकी, यस, ये आपके 4.2 है, ये आपके क्वेश्चंस है 4.2. ओके, इसमें सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. ये तीन क्वेश्चन है, इसमें मैंने दो राइट किए हुए हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. इसको आपको अरेंज करना है और फिर उसको माइनस करना है. एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ आपको व्हाट नंबर इज 1013 एंड लेस देन 15002. यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि 15002 में कितना ये नंबर आपका कम है. ये मतलब आपको माइनस करना है इसमें भी, देन लेस देन उसमें भी कम बताना, मतलब माइनस करना है. तो इस सारे और इसमें शुड बी एडेड, कितना जोड़ना है, कितना जुड़ेगा. ठीक है, अगर हमारा इतना नंबर है तो 19,236 लाने के लिए हमें 14,357 में कितना और जोड़ेंगे. तो ये हम माइनस करके इसको इसमें से घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वो इतना ऐड होगा और इसमें से इसको घटा देंगे वो उतना कम है. लाइक ऐसे. तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो है मैंने सारे राइट किए हुए हैं. अब आप लोगों ने वो देखना है वीडियो और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, आप बुक्स लेंगे तो ज़्यादा से बुक्स ले लीजिए, क्योंकि बुक्स लेने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. क्योंकि मैं तो एक एक या दो दो क्वेश्चन आपको एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ, बाकी आपको बुक से ही सॉल्व करने हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, ये है हमारे क्वेश्चन 4.2. इसमें हम आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग है, इसमें आपको माइनस करना है ज़ीरो में से ये ज़ीरो नहीं है, वंस है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे फाइव है, फाइव में से तो एट नहीं जा सकता, यानी कि इसमें से एक कैरी ले लेंगे, इससे ले लेंगे, एक बरो कर लेंगे तो 15 हो जाएगा. 15 में से एट गया तो कितना बचेगा आपका, सेवन. ओके, अब यहाँ कितना रह जाएगा, फिर यहाँ हमारा रह जाएगा थ्री, यानी 13 हो जाएगा, यहाँ कट के 3 हो जाएगा. तो 3 यानी एक और ले लेंगे, इसे 13, फिर 13 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8. ओके, 13 में से 9 गया तो सॉरी गया तो 4 बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा. उसके बाद है आपका यहाँ कितना रह जाएगा, 2 यानी 12, तो 12 हो जाएगा. तो 12 में से मान के चलिए 8 गया तो कितना बचा आपका, अगेन 4. ठीक है, अब यहाँ कितना रह गया, 3, यानी एक यहाँ से ले लेंगे तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका, 8. ओके, अब उसके बाद है आपका यहाँ कितना रह जाएगा, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3. ओके, माइनस तो सबको करना था, आप जैसे माइनस करते हैं लाइक वैसे कर लीजिएगा, काउंटिंग ऐसे करते हैं या जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे आप माइनस कर सकते हो. ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया है 4 यानी कि 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा. अब यहाँ कितना है आपका रह जाएगा, 1 यानी एक यहाँ से ले लेंगे और हो जाएगा 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9. ओके, यहाँ फिर रह जाएगा 2, यहाँ 1 मैं लिख देती हूँ. ओके, यहाँ रह जाएगा 2, तो 2 में यानी 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5. यहाँ रह जाएगा आपका फिर 4 यानी कि 14 हो जाएगा, 14 में से अब आपका जाएगा क्या, कितना, 5, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9. करके देख लिया करो आप जैसे करते हो, 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइक ओके जैसे आप कर रहे हो,
14, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना बचा ये 9। ओके, मैं तो आपको ऐसे बता रही हूँ जिससे आपको इजीली मेथड लगे। यहाँ रह जाएगा आपका अब 7, 7 में से ओके 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा अगेन 3 यहाँ पे, मतलब आई मीन इसमें 3 था तो इसमें। ओके, ये हो गए आपके माइनस के क्वेश्चंस। अब उसके बाद हैं आपके अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड सबट्रैक्ट। अब आपको इनको अरेंज, मैंने ऑलरेडी पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ है, अब इसको माइनस करना है। अब यहाँ पे आपको फिर से वैसे ही करना है जैसे आप करते हो कैरी लेके, यहाँ से इससे बरो करके, यानी 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 11 हो गया आपका। ओके, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 5। ठीक, उसके बाद है आपका यहाँ रह जाएगा 3, यानी 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8। ओके, उसके बाद है आपका यहाँ रह जाएगा 6। अब 6 में से 0 जाएगा तो 6 का 6 ही बचेगा। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, यहाँ आपका रह जाएगा 12। ठीक है, तो 12 हो गया आपका, तो 2 यानी 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका इसमें 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8 ही बचेगा, 8, 9, 10, 11, 12। यस, फोर, ये वैल्यू मैंने पुट की 2, 4। सिक्स का 6 12 है तो यहाँ, ओके सॉरी 12 तो नहीं बचेगा, यहाँ तो 3 रहेगा क्योंकि यहाँ तो 6 में से 0 गया तो 6 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ 3 का 3 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 नहीं होगा, 3 होगा। यस, तो 3 में से आपका 3 यानी 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9। ओके, अब यहाँ फिर रह जाएगा आपका काम, यहाँ क्योंकि इसने इसको इससे लिया है तो यहाँ रहेगा आपका 3, तो यहाँ बचेगा आपका फिर 1। ओके, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1। ओके, ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ रख लेते हैं तब तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें माइनस ये भी मैंने अरेंज कर रखा है, यानी 65,948 को 31,531 में माइनस करना है। तो 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 3 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4 और 6 में से 3 गया तो 3। ओके, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत उतार लिया। यस, यहाँ पे बच्चे 31 और 537 है, तो यहाँ 7 में से 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 1। यस, ठीक है, तो ये 1 यानी 3, 4, 4, 1 एंड 1। ओके, उसके बाद है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट नंबर इज ये 1013 लेस देन 15,002। अब ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, इसमें 15,002 को ऊपर रखा है एंड माइनस किया 1013, इसमें इसको माइनस करेंगे। तो माइनस जैसे आप करते हो वैसे ही करना है, यानी 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ कितना रह जाएगा 9,
नाइन, ओके, नाइन में से वन गया तो कितना बचेगा, एट। यहाँ कितना रह गया, अगेन नाइन, तो नाइन का नाइन है क्योंकि नाइन के नीचे ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ कितना रह गया, फोर, फोर में से वन गया तो थ्री, और वन का वन, ओके। उसके बाद है व्हाट नंबर इज 2787 लेस देन 18,000। अब इसमें आपको करना है, ये मैंने ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन बना रखी है, इसको सॉल्यूशन करना है बस। क्वेश्चन नंबर फोर है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर फोर, आपको इसमें भी माइनस करना है। आपको ज़ीरो यानी टेन हो जाएगा, इससे इसने इससे बोरो किया तो टेन में से सेवन गया तो थ्री, यहाँ हो गया नाइन, नाइन में से एट गया तो वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगेन हो गया नाइन, नाइन में से सेवन गया तो टू, अब यहाँ हो गया आपका सेवन, सेवन में से टू गया तो फाइव, और बस इतना ही आपका होगा लास्ट में, सेवन में से टू गया तो फाइव, ओके। यहाँ वन तो रहेगा ही क्योंकि आसानी से जा सकता था ये, तो वन का वन, ओके। उसके बाद है आपका लास्ट है, वर्ड नंबर शुड बी एडेड टू 14,357 टू गेट 19,236। अगर आपको इतना नंबर लाना है तो इसमें कितना नंबर आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से 19,000 में से इसको घटा देंगे तो जो नंबर आएगा उतना नंबर हमको इसमें ऐड करना है, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको भी, यानी 16 हो जाएगा तो 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ रह जाएगा 2, यानी 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ रह गया 1, यानी कि 11, 11 में से अगर आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, है ना, 11 में से 3 गया तो 8 ही बचेगा, देख लेते हैं, 9, 10, 11, 1, 2, 3, यार बिल्कुल राइट है, 8। यहाँ रह गया आपका अब 8, 8 में से 4 गया तो 4, ओके। अब 1 में से 1 गया तो 0, ये तो आपको पता ही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया मैथ्स। बाकी आप लोगों को बुक लेनी है, बुक अगर लेंगे तब आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको हर एक के दो दो बता रही हूँ, बाकी और क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो वो आपको खुद बुक से देखकर खुद करनी है, ओके। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।